पुराने कानूनों के निरस्तीकरण मामले में प्रदेश की जयराम सरकार केंद्र की मोदी सरकार के पद चिन्हों पर चल पड़ी है। इसी कड़ी में बुधवार को विपक्ष के विरोध के बावजूद विधानसभा में संख्या बल के आधार पर अधिनियम निरसन विधेयक पारित किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक राकेश सिंघा और कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू व आशा कुमारी इस विधेयक को प्रवर समिति भेजने की वकालत करते रहे, लेकिन विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केवल वही कानून निरस्त किए जा रहे हैं जिनका वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश सरकार ने अधिनियम निरसन विधेयक पारित कर एक साथ पूर्व के अपना औचित्य खत्म कर चुके 20 कानूनों को निरस्त कर दिया है। द पंजाब स्मॉल टाउन्स एक्ट 1934, द पंजाब न्यू टाउनशिप फीस एक्ट 1950, हिमाचल प्रदेश पशुधन और पक्षी रोग अधिनियम 1968, हिमाचल प्रदेश भूमि विकास अधिनियम 1973 और प्रभारों की वसूली संबंधी हिमाचल प्रदेश ट्रैक्टर खेती अधिनियम 1972 सहित अपना औचित्य खत्म कर चुके 20 कानूनों को सरकार ने खत्म कर दिया है। प्रदेश विधानसभा में विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अधिनियम निरसन कानून को संख्या बल के आधार पर पारित कर दिया गया। हालांकि विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने विधेयक को पारित करने की बजाय इसे प्रवर समिति को भेजने की वकालत की। राकेश सिंघा ने कहा कि कानून बनाने का काम करने वाली सरकार कानून निरस्त करने में जुटी है। बाद में मीडिया से बात करते हुए माकपा विधायक ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अनुच्छेद 370 और 35A की तर्ज पर धारा 118 के निरस्तीकरण का रास्ता साफ करने में जुटी है। उन्होंने इसे सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया बताया। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अधिनियम को पारित करने में सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया। अग्निहोत्री ने कहा कि इस अधिनियम को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए था। विपक्ष की आपत्ति को विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने निराधार बताते हुए कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब पुराने और औचित्य खो चुके कानूनों को निरस्त किया गया हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष यदि इस मामले में गंभीर होता तो मंगलवार को विधेयक प्रस्तुत करने के 6 घंटे तक अपनी आपत्ति और सुझाव भेज सकता था। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य बिना तैयारी और जाने निरसन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ केवल मात्र जो है वो कुछ कानून जो इनवैलिड हो गए हैं उनको हटाने की बात थी। किसी विशेष जो उसमें बहुत सारे एक्ट थे उसके बारे में बात की उन्होंने, उन्होंने तो किसी चीज के बारे में नहीं, उसमें सारे जिसकी बात की उसका जवाब था रिपीलिंग एक्ट हैं वो, और अगर वो सीरियस होते तो उनको जो है वो संशोधन का कानून है वो संशोधन जो है वो जब ये पिछले कल सदन में आए थे तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर जो है वो दे सकते थे अपना संशोधन उन्होंने कोई नहीं दिया, और उसमें कोई ये नहीं बताया अल्टरनेटिव के ये क्यों नहीं होने चाहिए। सबके सब रिपीलिंग एक्ट हैं या जिन रिडंडेंट हो गए हैं या सेंट्रल एक्ट जिनके बन गए हैं उनको जो है वो इनवैलिडेट जो है रिपीलिंग एक्ट के द्वारा किया गया है। इसलिए सिलेक्ट कमेटी केवल उस चीज के लिए होती है जब आप कोई नया कानून बना रहे हैं, नई इस प्रकार की अमेंडमेंट कर रहे हैं जिससे आम जनता जो है वो इफेक्ट होती हो, उसके बनने से जो है वो कुछ उसका असर जो है वो आम जनता पर पड़ता हो। मान लो 118 का सेक्शन है उसको हम जो है वो अमेंडमेंट करने के लिए लाते हैं तो उस पर गहन चर्चा सिलेक्ट कमेटी में होनी चाहिए। वो हम बात समझ सकते हैं कि उसके करें या नहीं करें, लेकिन ये तो एक टेम्परेरी जो है वो विधायी कार्य है, ये लेजिस्लेटिव जो है वो काम है कि अननेसेसरी लिटिगेशन जो कानून है उनको हटाया जाए ताकि जनरल कन्फ्यूजन न रहे और एक क्लैरिटी जो है जनरल आ जाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कानूनविदों की राय और गहन अध्ययन के बाद ही कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि विपक्ष सचमुच इसमें बदलाव चाहता तो बेहतर होता कि विरोध कर रहे सदस्य अपने सुझाव लिखित में लाते। उन्होंने कहा कि जिन कानूनों का कोई आधार नहीं रह गया था उन कानूनों को ही निरस्त किया गया है। 20 जो है बिल जो है प्रस्तुत किए गए और एक सतत प्रक्रिया है, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश में है, ऐसे बिल जिनका आज की तारीख में जो है उनका उपयोग नहीं रह गया, रिडंडेंट हो गए, उनका उपयोग करने की गुंजाइश नहीं रही है क्योंकि बिल्स में चेंजेस आ गए हैं, नए बिल में प्रावधान नए हो गए, उस दृष्टि से 20 बिल जो लाए गए उनको रिपील किया गया, उनको समाप्त किया गया, और ताकि जो है हमारे इसमें जो है वो अनावश्यक रूप से वो जो है वो स्टैच्यूट का हिस्सा ना। तो मुझे लगता है कि वो
सारी प्रक्रिया एक नियमित सारी व्यवस्था के अनुसार हुई है। लॉ डिपार्टमेंट ने एग्जामिन किया है, एग्जामिन करने के बाद उन्हें बिल लाया है और बिल पारित किए गए। विपक्ष की ओर से और सिंघा जी की ओर से जो आए बात आए सुझाव आए थे, मैं समझता कि बात उनकी ठीक है, उनको लगा कि भाई ये सारा जल्दी में किया जा रहा है, ऐसा उनको लगा। लेकिन उसके लिए प्रावधान है, प्रावधान ये है कि चार दिन पहले बिल ले हुआ सदन, और चार दिन पहले बिल ले होने के बाद जो है जब चर्चा का दौर आना था उससे पहले संशोधन उनको जो है अमेंडमेंट वोट करनी होती है, लिखित रूप से कोई भी अमेंडमेंट दी नहीं। और यही वहाँ पर उसी वक्त ही इश्यू रेज किया, रेज करना और फिर उसके बाद ये कहना है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दें, वो उचित नहीं है। अगर वो अध्ययन करने के साथ अमेंडमेंट के साथ आए होते तो, और उसमें हमको भी लगता कि सही मायने में ये जो कह रहे हैं ये बिल जो है रिपीट करने लायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।